हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आज हम देखने वाले हैं एक जबरदस्त हॉरर मूवी। इस मूवी को मैंने नेटफ्लिक्स पर देखा था और कुछ सीन्स तो काफी डरावने थे। मूवी का नाम है बारबेरियन, जो धीरे धीरे काफी इंटेंस हो जाती है। तो बिना देरी किए चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ मूवी के प्लॉट को। मूवी की शुरुआत में एक लड़की टेस को दिखाया जाता है, जिसने एक नए शहर में एक एयरबीएनबी बुक किया है और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो अपने रेंटेड घर को खोलने की कोशिश करती है, पर उसे वहां उसकी चाबी नहीं मिलती और इन सब से वो काफी परेशान हो जाती है। थोड़े टाइम बाद वो बाजू वाले घर में जाती है। इससे पहले वो ओनर को कॉल करने की कोशिश करती है, पर वहां से कोई जवाब नहीं आता। अब उस घर में से की दरवाजा खुलता है, जिसे देखकर वो सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि ये तो उसका रेंटेड प्लेस है और ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है। कीत भी उससे सेम बात कहता है कि उसने भी ये प्लेस एयरबीएनबी से बुक करवाया है। दोनों अपनी अपनी बुकिंग्स चेक करते हैं तो दोनों की डेट्स भी सेम डे की होती है। अब इतनी बड़ी मिस्टेक के बावजूद भी ओनर से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इतनी रात हो चुकी थी और बाकी होटल्स भी अवेलेबल नहीं थे, तो दोनों इस डिसीजन पर पहुंचते हैं कि वो दोनों आज की रात यहीं रुकेंगे और कल की कल देखेंगे। अब कीत टेस को रूम में सोने को बोलता है और जब तक टेस फ्रेश होती है तब तक वो ऑकवर्डनेस को खत्म करने के लिए एक छोटी सी वाइन टेबल सेट कर देता है। इतनी टेंशन में वो दोनों ही ट्राई करते हैं कि ये रात आराम से निकल जाए। अगली सुबह टेस अपने एक इंटरव्यू के लिए निकलती है तो उसे घर के बाहर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि पूरी स्ट्रीट पर सिर्फ उनके ही घर में वो दोनों रुके हुए थे और बाकी सभी घर खाली पड़े थे। अब वो अपनी इंटरव्यूअर क्रिस्टीन से मिलती है, जो कि उससे पूछती है कि वो कहाँ ठहरी है। टेस उसे अपनी जगह का एड्रेस बताती है तो क्रिस्टीन उसे थोड़ा चौकन्ना रहने को बोलती है, क्योंकि वो जगह ठीक नहीं थी। टेस उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। अब वो वापस घर पहुंचती है तो एक आदमी चिल्लाता हुआ उसके पास दौड़ता है और बोलता रहता है कि उस घर के अंदर मत जाओ, पर वो डर के चाबी निकालती है और घर में घुस जाती है। अंदर आके उसे बेसमेंट में से कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो उसे देखने के लिए जाती है और तभी अचानक से उसके पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है। बेसमेंट में उसे एक सिंगल बेड और एक कैमरा रखा हुआ मिलता है। ये सब देख के वो सहम सी जाती है, पर क्योंकि वो वहां लॉक हो चुकी थी तो कुछ भी नहीं कर पाती। तभी उसे खिड़की में से कीत आता हुआ दिखाई देता है और वो उसे आवाज लगाकर अपने पास बुलाती है। कीत उसकी आवाज सुनकर घर के अंदर आता है और उसका दरवाजा खोलता है। टेस इतनी डरी हुई हालत में उससे कहती है कि उन्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए और फटाफट अपना सामान पैक करके निकलना चाहिए, पर कीत उससे कहता है कि वो इतनी सी बात पर ऐसे नहीं जा सकता कि टेस ने बेसमेंट में एक कैमरा और बेड देख लिया है, वो खुद जाकर देखना चाहता है। टेस उसे ऐसा करने से मना करती है पर फिर भी वो चला जाता है। अब काफी टाइम हो जाने के बाद भी कीत बाहर नहीं आता तो टेस को मजबूरन उसे देखने के लिए बेसमेंट में जाना पड़ता है। वो जैसे अंदर जाती है तो उसे बेसमेंट और भी डीप होता नजर आता है, जहाँ से उसे आवाजें आ रही थी, पर कीत कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक कीत घबराया हुआ बाहर निकलता है और कहता है कि यहाँ कोई और भी है और हमें जल्दी भागना पड़ेगा। इससे पहले कि वो दोनों कुछ कर पाते, एक चुड़ैल सी दिखने वाली औरत वहां आती है और कीत का सर दीवार से भिड़ा भिड़ा कर उसे मार देती है। टेस को इतनी जल्दी ये सब प्रोसेस ही नहीं होता और वो वहीं डरी हुई खड़ी रह जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है सिटी में, जहाँ जस्टिन अपनी शानदार गाड़ी में गाने सुनते हुए ड्राइव कर रहा था। तभी उसके पास उसके ऑफिस से कॉल आता है और उसकी खुशी गम में बदल जाती है, जब उसे पता चलता है कि उसकी ऑफिस की एक लड़की ने उसके ऊपर रेप चार्जेस लगा दिए हैं और इस वजह से उसके हाथ से उसका प्रोजेक्ट भी चला जाता है। अब वो अपने सीए से भी बात करता है, जो उसे बताता है कि वो भी उसके साथ अब काम नहीं करना चाहता और पैसों के लिए अब जस्टिन अपने शहर के बाहर वाली प्रॉपर्टी को बेच देना चाहता है। अब इस काम के लिए वो अपनी सेक्रेटरी से चाबी लेकर अपने उस घर में पहुंच जाता है। यहाँ वो अपना सामान रखकर सेटल होने की कोशिश करता है तो उसे घर में किसी और के बैग्स भी रखे हुए दिखाई देते हैं। ये वही घर था जिसमें टेस और कीत रुके हुए थे। वो अब अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके पूछता है कि यहाँ कौन रुका हुआ है। वो उसे बताती है कि काफी टाइम से कोई बुकिंग नहीं आई है और घर तब से बंद पड़ा है, और फोन रख देती है। पर जैक्सन को तो यहाँ किसी और के बैग्स दिख रहे थे, तो वो उन्हें ढूंढते हुए बेसमेंट की तरफ बढ़ता है। अब इतना बड़ा बेसमेंट देखकर वो तो खुश होने लगता है कि जितना बड़ा घर उतना ज्यादा उसे उसका पैसा मिलेगा। अब वो सब भूल जाता है कि इस घर में उसे किसी और का सामान भी रखा हुआ मिला है और यहाँ उसकी लालच दिखती है जब वो इंच टेप लेकर उस बेसमेंट के स्क्वायर फुट को मेजर करने लगता है और काफी खुश होता है। इसके बाद वो बेसमेंट तो जैसे बढ़ता ही जाता है और उसके साथ साथ जैक्सन का लालच भी। तभी उसे वहाँ एक रूम दिखाई देता है जो कि एक नर्सिंग रूम जैसा लग रहा था, जहाँ एक टीवी भी चल रहा था। टीवी में एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। ये देखकर उसको अब थोड़ा डर सा लगता है और फिर तभी कोई आकर उसकी इंचिटे पकड़ लेता है।
ये देखकर अब तो उसके पसीने छूट जाते हैं। अब वो डर के वहां से भागने लगता है तो आगे उसको लोहे के पिंजरे दिखाई देते हैं और तभी वो टेस से टकरा जाता है जो कि अभी तक जिंदा थी और टेस उसको चुप रहने बोलती है। तभी एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जो कि पास्ट का होता है, जिसमें एक फ्रैंक नाम का आदमी एक स्टोर में जाकर छोटे बच्चों का सामान खरीदता है। इसके बाद ये आदमी एक औरत का पीछा करता है और प्लम्बर बन के उसके घर में घुस जाता है और उसके घर की खिड़कियां खोल देता है। अब फ्रैंक अपने घर जाता है तो उसका पड़ोसी उसे बताता है कि वो लोग वहां से छोड़कर जा रहे हैं, पर फ्रैंक तो वहीं रहने की बात करता है और फिर सारा सामान लेकर अपने बेसमेंट में चला जाता है। इससे ये पता चलता है कि 40 साल पहले इस घर में कुछ अजीब हुआ था जिसकी वजह से आज ये सब हो रहा था। वो आदमी लड़कियों को किडनैप करके उनका रेप किया करता था और फिर उनसे जो बच्चियां होती थी उनका भी रेप किया करता था, मतलब वो अपनी ही बच्चियों के साथ ये सब काम करता था। और सेम जीन्स में इंटीमेट होने की वजह से प्रेजेंट टाइम में वो चुड़ैल जैसी औरत उसी की बाय प्रोडक्ट थी। अब प्रेजेंट टाइम में टेस जैक्सन को उस चुड़ैल का दूध पीने बोलती है ताकि उसे गुस्सा ना आए, पर जैक्सन ऐसा नहीं करता। अभी तक टेस इसलिए जिंदा थी क्योंकि वो बिल्कुल वैसा करती थी जैसा वो चुड़ैल उसे करने को कहती थी। वो चुड़ैल टेस को अपना बेबी मानने लगी थी इसलिए उसने उसे अभी तक हर्ट भी नहीं किया था। पर जैक्सन वहां से भागने की कोशिश करता है तो वो चुड़ैल उसका पीछा नहीं छोड़ती और इसी बीच मौका पाकर टेस वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। उसके बाहर आते ही वो स्ट्रीट वाला आदमी उसके पास आता है और उसे वहां से भागने को कहता है, पर टेस का दिल जैक्सन को ऐसे अकेले छोड़कर जाने को नहीं करता और फिर वो उसकी मदद करने के लिए पुलिस बुलाने की कोशिश करती है। पुलिस वहां आती तो है पर टेस की हालत देखकर वो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करते और फिर वो वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जैक्सन बेसमेंट में एक रूम में घुस जाता है जहां एक और सरप्राइज देखने को मिलता है। दरअसल वो आदमी फ्रैंक अभी तक मरा नहीं था और इसी बेसमेंट में उसने अपने आप को कैद करके रखा हुआ था। जैक्सन को उसके रूम में एक टीवी मिलता है और काफी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स। वीडियो रिकॉर्डिंग्स उन सभी लड़कियों की थी जिनके साथ फ्रैंक ने इतने गलत काम किए थे और वो 40 सालों से यहीं पड़ा हुआ था। जैक्सन उसके ऊपर चिल्लाता है कि वो कैसा आदमी है और ये आयरनी होती है क्योंकि एक दिन पहले ही जैक्सन पर भी एक लड़की ने रेप के चार्जेस लगाए होते हैं। कहता है कि वो ये सब पुलिस को दिखा देगा और फिर वो दोनों वहां से बाहर निकल जाएंगे, पर पुलिस के डर से फ्रैंक अपने ड्रॉअर में से एक पिस्टल निकालता है और अपने आप को शूट कर लेता है। दूसरी तरफ अब रात हो चुकी थी और टेस जैक्सन को बचाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठती है। तभी वो चुड़ैल उसके ऊपर हमला करती है। टेस अपनी गाड़ी से उसे मारती है जिससे वो चुड़ैल बेहोश हो जाती है और फिर टेस दौड़कर अंदर जाती है और जैक्सन को बचाने की कोशिश करती है। अब जैक्सन के हाथ से टेस पर ही गोली चल जाती है और फिर वो उससे माफी मांगने लगता है। फिर वो दोनों वहां से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करते हैं और वो स्ट्रीट वाला आदमी वहां पहुंचता है और उनको फटाफट सेफ जगह में ले जाता है। कहता है कि वो 15 साल से इस जगह पर है और वो चुड़ैल इस जगह पर कभी नहीं आती, इसलिए वो लोग यहाँ सेफ हैं। तभी उनके लिए बैड न्यूज आती है और वो चुड़ैल उस आदमी को ही पकड़कर खींच लेती है और उसे मार देती है। उससे बचते हुए अब टेस और जैक्सन एक टावर पर चढ़ जाते हैं। जैक्सन इतना मतलबी होता है कि वो टेस को ही छोड़कर भागने लगता है। टेस के पेट में गोली लगी थी फिर भी जैक्सन सिर्फ अपना सोचता है। इससे पता चलता है कि बुरे लोग हमेशा बुरे ही रहते हैं। अब वो दोनों उस टावर पर पहुंच जाते हैं। तभी वो चुड़ैल वहां पहुंचती है और उससे बचने के लिए जैक्सन टेस को ही वहां से धक्का दे देता है ताकि वो चुड़ैल टेस को मार दे और जैक्सन वहां से भाग सके। पर उसके ऐसा करते ही वो चुड़ैल टेस के नीचे आ जाती है जिससे टेस नीचे गिरकर भी बच जाती है। जैक्सन टेस के पास आता है और उसे लगता है कि वो चुड़ैल मर चुकी है तो वो टेस से सॉरी बोलता है और कहता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसलिए उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। और उसकी ये चाल उस पर ही भारी पड़ जाती है जब उस चुड़ैल को होश आ जाता है। वो चुड़ैल टेस को अपना बेबी मानती थी और उसने देखा था कि जैक्सन ने उसकी बेबी टेस को नीचे गिरा दिया था, तो गुस्से में अब वो चुड़ैल जैक्सन की आंखें फोड़कर उसे मार डालती है। अब वो चुड़ैल टेस को अंदर चलने को इशारा करती है तो टेस उससे बोलती है कि वो नहीं चल सकती। वो चुड़ैल उसे प्यार करने की कोशिश करती है। अब टेस धीरे से उसके पास पड़ी हुई पिस्टल उठाती है और उस चुड़ैल के सर में गोली मार देती है जिससे वो वही मर जाती है। और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा और अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।